हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। इस टाइम आपका भाई मौजूद है लाहौर होटल के बिल्कुल सामने, एक बार फिर से लाहौर की सड़कों पे। और लाहौर होटल है, लक्ष्मी चौक है मेरे साथ, और मैं मौजूद हूँ इस टाइम शीफा कढ़ाई टिक्के वाली जगह पे, जहाँ पे शीफे की दुकान है। ये मेरे बिल्कुल सामने ये आपको नज़र आ रहा होगा, शीफा कढ़ाई टिक्का। यहाँ पे रात के टाइम खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो आज हम लोग इस टाइम शीफा नहीं खाएंगे क्योंकि शीफा तो बंद है। हम लोग यहाँ पे खाएंगे एक 70 साल पुरानी रेसिपी, और वो रेसिपी लाइक ऐसी एक जगह पे आज हम लोग जाएंगे जहाँ का कोई नाम, कोई पता कुछ भी नहीं है। बहुत यूनिक, बड़ी मज़ेदार जगह। तो ज़रा यहाँ पे बिल्कुल साथ ही ये पीछे गली जाती है, उसके अंदर हमारा वो पॉइंट है जहाँ आज हम लोगों ने जाना है। और ऐसा पॉइंट है कि वो अंकल ज़मीन पे बैठे कबाब लगा रहे हैं, और बीफ के कबाब होते हैं उनके पास। और लाइक पाकिस्तान बनने से पहले वाला जो सारा सिस्टम होता है वो शो कर रहे हैं वहाँ पे, और लोग इर्द गिर्द बैठ के वहाँ पे कबाब खाते हैं। और बहुत एक मज़ेदार, बहुत अच्छा स्पॉट है। और आज का ये सीन है कि मेरे पास माइक नहीं है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब ये थोड़ी सी माजरत है। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं, समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं, अभी हम लोग चलते हैं और जाके कमाल के लाहौर में 70 साल पुरानी रेसिपी वाले कबाब ट्राई करते हैं, जो कि बहुत यूनिक है। फिलहाल ज़रा अपने सेटअप ऐसे पॉइंट पे जा रहे हैं, ना उसकी दुकान है, ना उसका कोई बैनर है, ना कोई उसका, लेकिन पता उसने है। क्या गेम उठाई हुई है भाई, क्या बात है भाई, जरा आवाम को शो करवा दे। ओए भाई ये चेक करो, ये अंकल ने सेटअप लगाया हुआ है इस तरह से, नीचे ही बैठे हुए हैं बिल्कुल, और ये पुराने वो फट्टे टाइप रखे हैं, और लोग इसी तरह आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। और वो सामने उन्होंने ग्रिल रखी है जिसके ऊपर वो अपने कबाब वगैरह ग्रिल करते हैं। बड़ा एक यूनिक सेटअप है ना, बड़ा ज़बरदस्त पुराने वक्तों का। हाँ जी बिल्कुल, अभी ज़रा टेस्ट करते हैं ये। अच्छा ये जो ये सामने ये अलमारी सी है ना, ये इनकी शॉप है, इसी में इनका सारा सामान होता है। ये रोज़ आते हैं, इस अलमारी से अपना सामान बाहर निकालते हैं और यहाँ पे अपना स्टॉल लगा लेते हैं। तो बड़ा एक यूनिक, बड़ा मज़े का सेटअप है। लाहौर होटल वाले मौलवी साहब कबाब वाले बहुत मशहूर हैं। मौलवी साहब, हाँ जी, बड़ा सर, कितने साल से खा रहे हैं आप? मैं बड़े अच्छे से खा रहे हूँ, 5-6 साल तो मुझे हो गए। 5-6 साल, जबरदस्त। और ये बीफ के कबाब हैं, जबरदस्त। अभी वो उनका सेटअप बड़ा यूनिक है, बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। टेस्ट करते हैं ज़रा हम लोग, ये घर से बना के लाते हैं, ये बाजार से खुद मैं यहाँ पे नहीं किसी से बनवा, घर से खुद बनवा के लाते। चले जी हम लोग खाने बैठ गए यहाँ पे, और वेट करना पड़ेगा कुछ देर जब तक हमारा खाना नहीं आता। तब तक ज़रा यहाँ पे हमें दो भाई मिले हैं जो कि तुन बतुन यहाँ पे लगे हुए हैं, पता नहीं कितनी देर होगी उन्हीं के कबाब पूरे नहीं हो रहे। और अभी आप उनको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों नहीं उनके कबाब पूरे हो रहे। ये दो भाई बैठे हुए हैं, ये पिछले कोई आधे घंटे से यहाँ बैठ के कबाब खाई जा रहे हैं। चेक करो ज़रा। हाँ जी भाई, और कितना खाना है? अच्छा अच्छा, ये जो अभी एक और पूर लग रहा है पूरा, ये भी मुझे लगता है इन्हीं के लिए आधे कबाब है। ये हमारे लगे। कितने साल से खा रहे हो आप? मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए अपने वालिद साहब के साथ भी आता हूं। अच्छा, वो भी काम तो मरे हुए 6 साल हो गए। पहली बात है तो नहीं, वैसे सही बात है। टेस्ट कैसा है? अच्छा टेस्ट है, जबरदस्त है। हूँ ताडे कबाब पूरे होने ते असी भी लैके खाइए, बड़ा टाइम हो गया कब के वेट कर रहे हैं, घंटा वेट करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है। नाम क्या आपका? शाहिद।
शाहिद जी। अच्छा ये कितने साल पुराना सेटअप है अंकल? तो 70 साल हो गए। 70 साल हो गए ये आपके वालिद साहब ने स्टार्ट किया था। तो क्या क्या चीजें मिलती है? सिर्फ हमारे पास बीफ कबाब होते हैं और कुछ नहीं होता। बीफ कबाब। अच्छा और ये ग्रिल जो आपने बनाई हुई है ये बड़ी यूनिक है, ये कहाँ से आइडिया है? ये खुद ही बनाई है, ये आज की थोड़ी है, आज की नहीं है। 70 साल हो गए इसको, इधर ये कौन सी आज नहीं बनी है। अच्छा तो ये कबाब आप यहाँ लोग बता रहे हैं आप घर से बना के लाते हैं? हाँ जी। जबरदस्त। और ये कितने साल पुरानी अलमारी है पीछे? ये भी 70 साल जब से अड्डा बना ये तब की बनी हुई है। अच्छा तब की बनवाई हुई है यहाँ की हालत नहीं बता रही। हाँ जी वो पुराने स्टाइल की बनी हुई है। तो ये अब जरा कितना टाइम लगेगा कबाब पे? लगेंगे 5-10 मिनट। 5-10 मिनट बस। ठीक है हम भी यहाँ इन्हीं के साथ बैठते हैं तो बना दें फिर। और वो कबाब से बना रहे हैं, अल्लाह ताला ने इनको बरकत डाली हुई है। देखिए वो बेंच वगैरह बड़े हुए। ये सब जो होते हैं ना कस्टमर, लॉयल कस्टमर हैं इनके, ये डेली बेसिस पे खाते हैं। बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, बड़ा कमाल का सेटअप है। अच्छा यहाँ पे रश लगा हुआ है तो थोड़ा टाइम लगता है कबाब लगने पे। अंकल आराम आराम से हल्की आंच पे कोयलों पे पकाते हैं इसको, तो वो टाइम लगता है इसको पकने में। तो अभी मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 10 से 15 मिनट तो लगेंगे। 10-15 मिनट आए को हो गए तो तब तक भूख भी और लग जाएगी। लेकिन एक जो खुशबू आ रही है ना कबाबों की भाई, वो बहुत लेवल है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। फिलहाल चेक करो ज़रा माशाल्लाह क्या खूबसूरत लग रहे हैं छोटे छोटे से कबाब बीफ के, बहुत बहुत ज़बरदस्त। अंकल एक कबाब है कितने का? 50 रुपये का। रेट बड़ा मुनासिब है आपका, ये एक कबाब 50 रुपये का है। फिर भी खुश नहीं है वहाँ? क्यों? मुफ्त जाती है ना वहाँ। हाँ नहीं फिर आवाम तो मुफ्त जाती है लेकिन अपना भी तो देखना। अच्छा कबाब ना थोड़े लंबे लंबे कबाब है लेकिन जब वो पकते हैं तो इतना इतना साइज हो जाता है। भाई हलाल सही कीमा होगा, कुछ नहीं की होगा है? क्या कह रहे हैं? कल भी इधर रहे ना, अगर देखो जरा दूजा भी सामान ले आई अपना बारो जाकर। हेलो अच्छा आप क्या कह रहे थे? मैं कहा सही कीमा होगा ना, वो श्रिंक ही होगा। अच्छा अच्छा नहीं वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? चलें जी हमारे पास आ गए 70 साल पुरानी शॉप के मशहूर कबाब। और क्या खूबसूरत कबाब है बीफ के, ज़बरदस्त यार कमाल के, बहुत आला क्रिस्पी लग रहे हैं बहुत। साथ रायता नान। हाँ जी वे रेडी हैं आप? एक पुराना स्पॉट है, एक मज़े की जगह है। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़रा टेस्ट करते हैं कैसे हैं। चलें जी 70 साल पुराने कबाब को, 70 साल पुराने रेसिपी, 70 साल पुरानी। चेक करो भाई गर्मा गर्म आपके पास कबाब आए। शबीर कल का स्पाइसी है थोड़ा लेकिन बहुत बहुत मज़े का टेस्ट है, बहुत मज़े का टेस्ट। इतना इतने ऑथेंटिक कबाब, इतनी कमाल का। अच्छा वो उन्होंने जैसे ना वो लगते हैं जैसे धागा लपेट के रखा होता है कबाबों पर, लेकिन उनकी शेप ही ऐसी बनी हुई है और वो बन के बहुत ज़बरदस्त बने हैं यार। इसको ज़रा रायता लगा।
कोई किसी किस्म की इसमें स्मेल नहीं है, कोई किसी किस्म की स्मेल, परफेक्ट टेस्ट है, परफेक्ट स्पाइसेस हैं, थोड़े से स्पाइसी हैं लेकिन कबाब इतना जूसी है और लोग हल स्लो कोयलों के ऊपर पकता है, काफ़ी देर लगती है, फौरन नहीं पकता थी यार, बहुत आया, बहुत मज़ेदार यार। ज़रा मैं खा लूँ और चाचू को भी टेस्ट करवाता हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा यार इतने कोई कमाल के कबाब, इतने मज़ेदार, ओहो हो, कैसे लगे हैं जेनवन? बहुत ज़बरदस्त है यार अनस भाई, मज़ेदार है ना, बहुत आला। मैं देख रहा हूँ यार ये छोटी सी शॉप है, शॉप भी नहीं कह सकते आप, छोटी सी उन्होंने अलमारी है वहाँ, छोटी सी अंगीठी रखी हुई है, अल्लाह ताला ने क्या बर्गर रौनक डाली है और टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छे। और वो एक माहौल जिस तरह का मिला हुआ है यहाँ पे, लाइक वो बेंच के ऊपर बैठने हैं, अमीर है गरीब है सब ने इसी के ऊपर आगे बैठ के खाना है, कि सब लोग इसी तरह बैठे हैं यहाँ पे, और उसके अंगीठी के साथ कबाब बनते हैं, साथ साथ आपको कबाब मिलते हैं, और बड़ा एक कमाल का सीन है यहाँ पे। अच्छा मेरे पास आज ज़रा माइक नहीं है तो आवाज़ में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही होगी, और यहाँ पर मैं वैसे भी थोड़ी सी खास प्रॉपर नहीं कर रहा, लेकिन माशाल्लाह मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा टेस्ट है, ये ज़रा माइक की वजह से थोड़ा सा अगर हो तो इग्नोर करो। चले जी हम लोगों ने कबाब खा लिए हैं और बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था, लाइक वो एक पूरी देसी फील थी वहाँ पे बैठ के, एक पुरानी नॉस्टैल्जिक फील, और वो वाइब बहुत मज़े की थी, वो धुआँ उड़े कबाबों का, अंगीठी का, और वो खुशबू, वो एक अलग ही जैसे नशा सा नहीं होता वो वाला हिसाब था। तो अभी ज़रा कबाब वगैरह खा लिए, मौसम इतना कोई ज़बरदस्त है, बारिश अभी थोड़ी देर पहले हुई है और इस वजह से वहाँ पे बैठने का भी बहुत मज़ा आया था। खैर आज की इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आया तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब, 50 रुपये का ये कबाब था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।